माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मापिंड चौक में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में माँ बंगलामुखी धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज की देखरेख में हुआ। सर्वप्रथम मुख्य यजमान चेतन नाथ मेहता से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार कलश पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहुतियां डलवाई। तो वहीं हवन यज्ञ की पूर्ण होति के उपरांत नवजीत भारद्वाज ने आए हुए मां भक्तों को भगवान के प्रति आस्था के भावों का व्याख्यान करते हुए कहा कि आस्था वह विश्वास है कि ईश्वर या तो हमारे साथ चलेगा या गोद में लेकर। आस्था का स्थान आपका हृदय है, जिसे आप खुद ही बनाते हैं। आपकी पांचों इंद्रियों से जाने वाला कुछ भी आपकी आस्था को नहीं छू सकता, क्योंकि इंद्रियों की पहुंच दिल तक नहीं है। आस्था हृदय की बुद्धिमत्ता है, जबकि विश्वास मन की। हृदय को किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। हृदय हर अनुभव से अपनी आस्था की जड़ें मजबूत करता है, जबकि मन हर अनुभव का इस्तेमाल अपने विश्वास के आधार को कमजोर करने के लिए करता है। हर सफर की शुरुआत एक आस्था है, यह आस्था कि हम पहुंचेंगे, सफल होंगे। आस्था उस पर विश्वास करने की क्षमता है जिसे हम देख नहीं सकते, जो अभी हुआ नहीं है, जिसे अभी साबित नहीं किया जा सकता। अगर आस्था का मतलब वह है जिसे आप देख नहीं सकते, तो उसका इनाम ये होगा कि एक दिन आप उसे देखेंगे जिस पर आपको हमेशा से विश्वास था। वहीं आस्था के भाव से नवजीत भारद्वाज ने आई हुई समस्त संगत को भाव विभोर किया। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, बलजिंदर सिंह, समीर कपूर, अमरजीत सिंह, बाबा जोशी, नवदीप उदय, अजीत कुमार, गुलशन शर्मा, अश्विनी शर्मा धूपवाले, मुनीश शर्मा, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, विवेक शर्मा, श्यामलाल एडवोकेट, राजकुमार, अभिलक्षे चुग, सुनील, राजीव, राजन शर्मा, प्रिंस ठाकुर, बलदेव सिंह, गौरी, केतन, रिंकू सैनी, दिनेश शर्मा, अजय मल्होत्रा, अजीत साहू, प्रवीण, दीपक, अनीश शर्मा, साहिल, सुनील जग्गी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जो तो किसी आस्था हो जाती है कि मंदिर के कुछ खास किसी के प्रति, ईश्वर के प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति, जो भी तुम अपना मेंटर, गुरु या भगवान समझ रहे हैं, क्योंकि जिन्हें इंडियां हैं पहुंच जो तक नहीं होती, जो इंद्रियां हैं पहुंच जो तक नहीं है, पर आस्था की जिहड़ा विश्वास है वह मन को है, हृदय को है। तो दिल को हृदय को कोई सबूत की लोड़ नहीं पैंदी, अपने आप अनुभव करता उदियां जिन्हें जड़ा मजबूत होंगे लगदियां उन्नी ज्यादा हो अपने ईश्वर के ज्यादा। अज माँ बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मापिंड चौंक के कोल स्थित है, उत्थे माँ के इस भव्य मंदिर के हवन यज्ञ जो किया गया। ये लगातार जोड़े वीरवार होंगे हवन यज्ञ, उन्होंने एक कड़ी के एक नव हवन यज्ञ से, और बहुत जोड़े श्रद्धालु सवेर तो ही बहुत दूर दूर तो अलग अलग स्टेशनों को, कोई नवें शहर तो, कोई हुशियारपुर तो, कोई कपूरथले तो आए हुए थे, और उन्होंने आ के माँ के इस भव्य मंदिर के जोड़ा हवन यज्ञ किया और उन्हें आहुतियां पाइया और माँ का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। महामाई उन्होंने कृपा बनाई रखे, सारे परिवार खुश रहन और तंदुरुस्त है। जयकारा बगलामुखी माता जी का। जय माँ बगलामुखी जी। अज माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जो कि लम्मापिंड चौंक के नज़दीक स्थित है, माँ के भव्य मंदिर के अच्छ सवेर तो बरसात का मौसम सी, और जिन्ना महामाई ने अपने भक्तों जिदा कहते भी मेहर भरिया छिट्टे मिलते हैं, उदा भगत लोग सारे सवेर तो ही आ के हवन यज्ञ के लालायत सी, हवन यज्ञ आहुतियां डालने, और बहुत सारी संगत पहुँच के मीह पेंदे दे विच भी
आ के हवन यज्ञ च आहुतियां डालियां और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये मैं दसना चाहना कि शनिवार जो हवन यज्ञ शाम को होता सी हुण उनका समय मौसम करके परिवर्तित करता गया, सवेरे 7 बजे तो 8 बजे करता गया। कोई भी महानुभाव वो निःशुल्क होंगे हवन यज्ञ और आके उच्च आहुतियां डाल सकता। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि 31 दिसंबर रविवार का दिन आ रहा, उस दिन वड्डा एक अलौकिक हवन यज्ञ सवेरे 9 बजे तो 12 बजे तक होएगा और शाम को 9 से 12 महामाई की एक विशाल चौंकी, एक शाम माँ बगलामुखी जी के नाम के नाल आगाज होएगा। वो महंत अश्विनी शर्मा जी पक्कियां भेटा वाले महामाई के नाल संगत को जोड़नगे। मेरी करवत प्रार्थना है कि नवा साल महामाई के चरणों आके बिताओ और उतों ही चढ़ाओ और उन्हों का आशीर्वाद प्राप्त करो। और इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि माँ बगलामुखी धाम लगातार समाजिक सेवा मानवता की सेवा च अग्रसर है। हर वीरवार को निःशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। सारे भगतों करवत प्रार्थना कि पहुँचो, पहुँच के हवन यज्ञ का फायदा लो। जय माँ बगलामुखी।